कैम जो तो मैं बता दोस्तों, अगर आप अपने एक्सिस अकाउंट के हैंडलिंग के लिए एक्सिस बैंक के ऑफिशियल ऐप का यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करके सर्च बार में टाइप कर लीजिए एक्सिस मोबाइल, और फिर सर्च करने पे जो एप्लीकेशन खुल के आती है उसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉलेशन के बाद ऐप को कर लीजिए ओपन। ऐप को पहली बार ओपन करने पे ट्यूटोरियल का पेज खुल के आएगा, उसमें स्किप के बटन पे टैप कर लीजिए। उसके बाद ऐप आपसे फोन कॉल्स एक्सेस करने की परमिशन पूछेगा, उसमें अलाउ कर लीजिए। अब यहाँ पे लॉगिन के बटन पे टैप कर लीजिए। उसके बाद इस पेज में आपके बैंक अकाउंट से लिंक नंबर को सिलेक्ट करके कंटिन्यू के बटन पे कर लीजिए टैप। अब ऐप आपसे SMS रीड करने की परमिशन पूछेगा, उसमें अलाउ कर लीजिए। कई बार इस स्टेप में 2-3 बार ट्राई करनी पड़ती है तब जाके SMS सेंड हो पाता है, और इसके लिए आपके सिम कार्ड में पर्याप्त बैलेंस होना भी आवश्यक है। और फिर थोड़ी प्रोसेस के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पे आपका नाम या तो निक नेम टाइप कर लीजिए, फिर बैक बटन प्रेस करके कीबोर्ड को क्लोज कर लीजिए। अब इस बॉक्स को चेक मार्क करके कंटिन्यू के बटन पे टैप कर लीजिए। उसके बाद आपको इस पेज में लॉगिन होने का 6 अंकों का पासवर्ड सेट कर लेना है। दोनों बार सेम पासवर्ड एंटर करके कीबोर्ड में से ओके कर लीजिए। अब थोड़ी सी प्रोसेस के बाद जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एरर शो हो रही है, लेकिन ओके बटन पे टैप करने से मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। इसके अलावा आपको अपने अकाउंट का ऑथेंटिकेशन भी करना होगा। इसके लिए आप फर्स्ट टाइम जब किसी फीचर को यूज करने की ट्राई करोगे, जैसे कि यहाँ से रिचार्ज के ऑप्शन पे टैप करते ही इस तरह का प्रॉम्प्ट खुल के आ जाएगा। इसमें प्रोसीड के बटन पे कर लीजिए टैप। उसके बाद यहाँ पे आप अपने इंटरनेट बैंकिंग के ID और पासवर्ड से ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, और अगर आप नेट बैंकिंग यूज नहीं करते हो तो यहाँ से डेबिट कार्ड की टैब पे आके पहले बॉक्स में आपका ATM कार्ड नंबर, उसके नीचे कार्ड की एक्सपायरी डेट में इस तरह से महीना और साल एक साथ लिख लीजिए, और लास्ट बॉक्स में आपका ATM का पासवर्ड एंटर करके नीचे बने कंटिन्यू के बटन पे कर लीजिए टैप। फिर इस पेज में आपका MPIN एंटर कर लीजिए और आपके अकाउंट का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंप्लीट। फिर जब कभी वापस इस ऐप को ओपन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसमें यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे टैप करके अभी अभी हमने जो पिन सेट किया था वो एंटर करने पे आपके अकाउंट का पेज हो जाएगा ओपन। तो दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ।